कुछ दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार गुट ने शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अचानक सत्ता में आ गया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। इस सत्ता परिवर्तन के कुछ ही घंटों बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी। पवार की एक टीम सत्ता के लिए रवाना हुई। राज ठाकरे ने इस आशय का बयान दिया था कि जल्द ही एक और टीम सरकार में शामिल होंगी। अब राज ठाकरे ने एक बार फिर अपना बयान दोहराया है। राज ठाकरे ने कहा, जिस दिन अजित पवार ने शपथ ली थी, मैंने पहले घंटे में ही ट्वीट कर दिया था। इसमें कहा गया कि मैंने पहली टीम छोड़ दी है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। आज भी अजित पवार गुट के होर्डिंग लगे हुए हैं, इस पर शरद पवार के साथ अजित पवार की भी फोटो है। कोई कितना झूठ बोल सकता है, इसकी भी सीमाएं हैं। ठाकरे ने कहा, मैंने कहा ना, पहले टीम आई, दूसरी जा रही है। शरद पवार की राजनीति को आप कितने सालों से देखते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि यह वैसी ही है, मैं वर्षों से देख रहा हूँ। राज ठाकरे ने बयान दिया कि ये मिलीभगत है। कुछ दिन पहले एनसीपी के अजित पवार गुट ने शिंदे फडणवीस सरकार को समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अचानक सत्ता में आ गया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई। इस सत्ता परिवर्तन के कुछ ही घंटों बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी। पवार की एक टीम सत्ता के लिए रवाना हुई। राज ठाकरे ने इस आशय का बयान दिया था कि जल्द ही एक और टीम सरकार में शामिल होंगी। अब राज ठाकरे ने एक बार फिर अपना बयान दोहराया है। राज ठाकरे ने कहा, जिस दिन अजित पवार ने शपथ ली थी, मैंने पहले घंटे में ही ट्वीट कर दिया था। इसमें कहा गया कि मैंने पहली टीम छोड़ दी है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। आज भी अजित पवार गुट के होर्डिंग लगे हुए हैं, इस पर शरद पवार के साथ अजित पवार की भी फोटो है। कोई कितना झूठ बोल सकता है, इसकी भी सीमाएं हैं। ठाकरे ने कहा, मैंने कहा ना, पहले टीम आई, दूसरी जा रही है। शरद पवार की राजनीति को आप कितने सालों से देखते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि यह वैसी ही है, मैं वर्षों से देख रहा हूँ। राज ठाकरे ने बयान दिया कि ये मिलीभगत है।